नमस्कार दोस्तों, आजकल यही सुनने को मिलता है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गया है। किसी से भी सुनो, चर्चा यही है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गया है। चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे पेट्रोल प्राइस वाकई कितना बढ़ा है। एक उदाहरण तौर पे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेके चलेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी करने से पता चलेगा कि वाकई अपना इंडिया में पेट्रोल प्राइस कितना ज़्यादा है। इंटरनेट सर्च करने से ये पता चला, पेट्रोल की प्राइस कल यानी 16 अक्टूबर को इंडिया में पेट्रोल कैपिटल में यानी दिल्ली में 104 रुपया 79 पैसा यानी 104 रुपीज 79 पैसा। और फिर जब इंटरनेट से पाकिस्तान का पेट्रोल प्राइस सर्च किया गया, पता चला कि पेट्रोल वहाँ कोई सस्ता नहीं है, वहाँ सस्ते में नहीं मिलता इंडिया से। हालांकि इंडिया में सस्ता है और पाकिस्तान में वो है 137 रुपया 79 पैसे, इसका मतलब 137 रुपीज 79 पैसा यानी 33 रुपया ज़्यादा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 33 रुपया ज़्यादा बिक रही है और हम बोल रहे हैं कि हमारा प्राइस ज़्यादा है। उसी तरह डीजल अपना कैपिटल दिल्ली में, उसका भाव है 93 रुपीज़ 52 पैसा जबकि पाकिस्तान में है 134 रुपया 48 पैसा यानी करीब 41 रुपया ज़्यादा है। तो आप देखिए कि कहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, अपना इंडिया में पेट्रोल प्राइस ज़्यादा है या पाकिस्तान में। अभी तक पता चल रहा है कि पेट्रोल प्राइस अपना पड़ोसी पाकिस्तान से हमारा काफ़ी कम है, यानी पेट्रोल में 33 रुपया कम है पर लीटर और डीजल में 41 रुपया कम है पर लीटर। अपना यहाँ पेट्रोल और डीजल की प्राइस ज़्यादा ही नहीं है। और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अपना देश भारत में पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है या कम है। मैं फिर आऊँगा कुछ नए वीडियो के साथ, आप बने रहिए अपने साथ।